हे गाइस, माय नेम इज तेजस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ फिशरमैन्स विलेज, जो कि पालघर में है एंड ये किलवे बीच से भी एकदम पास ही में, तो इसे एक्सप्लोर करने वाली हूँ मैं आज। इस रिसोर्ट के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है कि ये बहुत फेमस है, देन लोग यहाँ पर वीकडेज में भी जाना पसंद करते हैं, फ़ोटोशूट के लिए लोग यहाँ पर जाते हैं, तो मैं भी आज इसे एक्सप्लोर करने वाली हूँ। एंड अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको इसका जो भी कॉस्टिंग है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिशरमैन्स विलेज जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, दोनों भी साइड में ट्रीज है, ग्रीन एंड बीच में से ही रास्ता जाता है। तो अगर आप आपके प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हो तो ये रोड पूरा एंजॉय करके आप वहाँ तक जा सकते हो, एंड वहाँ पर अच्छी खासी पार्किंग है तो आपको पार्किंग भी मिल जाएगी। एंड अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ पर आना चाहते हो तो आपको केलवे रोड पर उतरना है, देन केलवे रोड स्टेशन उतरने के बाद आप वहाँ से ऑटो करके आ सकते हो। तो गाइज, ये है फिशरमैन्स विलेज का एंट्रेंस। अंदर एंटर करते ही आपको राइट साइड में रिसेप्शन काउंटर मिलेगा एंड लेफ्ट साइड में इनका किचन एंड रेस्टोरेंट है, देन बोटिंग वगैरह भी है यहाँ पर। तो हम जाएंगे सबसे पहले यहाँ पर बोटिंग देखने। लेफ्ट में जाने के बाद ये यहाँ से बोटिंग होती है, बोटिंग का पैकेज में इंक्लूडेड होता है। एंड अगर आप यहाँ पे सिर्फ रेस्टोरेंट के लिए आते हो एंड आपको बोटिंग करनी है यहाँ पर आके, तो आप वो भी कर सकते हो। पर पर्सन 200 रुपीज़ चार्जेस लेते हैं वो बोटिंग कराने के। बोटिंग में आपको वो प्रॉपर लाइफ जैकेट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो आप लेक देख रहे हो यहाँ पर, सुंदर सा आर्टिफिशियल लेक, यहाँ पर आपको बोटिंग करने मिलती है। उसके बाद ये है डाइनिंग एरिया, यहाँ पर आके आप ऑर्डर दे सकते हो। आपको यहाँ पर बैठ के खाना है तो बैठ के खा सकते हो, और एल्स आप रूम सर्विस भी मंगा सकते हो, आपको आपका खाना जो है वो रूम तक आ जाएगा। एंड ये जो मील है वो आपके पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है, तो आपको ये अलग से एडिशनल कॉस्ट पर लेना होगा। तो अगर आप ये किचन एरिया एंड डाइनिंग एरिया से थोड़ा आगे आगे आओगे तो यहाँ से स्टेज जो है वो चालू होते हैं। एंड यहाँ पर ये जो आप स्टे देख रहे हो, इनके अलग अलग नाम दिए हैं, लाइक किसी का नाम है पापलेट क्वार्टर, देन बांगड़ा बे, सुरमई स्टे, ऐसे अलग अलग फिशेस के उन्होंने नाम दिए, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। एंड यहाँ पर जितने भी स्टे के ऑप्शंस है उसका कॉस्टिंग मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताने वाली हूँ, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, दैट इज़ यहाँ पर जितने भी स्टेज है उनका ये पार्ट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि ये सारे जो रूम्स है वो लेक फेसिंग है, तो इसका व्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अब यहीं पर ग्रुप के लिए स्टेज है, लाइक ये बोट हाउस, देन बांगड़ा अंतरे, ये जो है वो 10 पीपल 12 पीपल का अगर ग्रुप होगा उनके लिए ये स्टे है। अब जाएंगे हम दूसरे साइड। तो रिसॉर्ट में एंटर करते ही अगर आप स्ट्रेट आओगे तो लेफ़्ट साइड में आपको काफ़ी सारे कलरफुल स्टेज देखने मिलेंगे, तो वो 5 पीपल ऑक्यूपेंसी के स्टे है एंड उनको भी आपको बालकनी जो है वो मिल जाएगी लेक व्यू वाली। तो ये सारे रूम की यही एक स्पेशलिटी है कि इनको बहुत ही सुंदर लेक व्यू वाली बालकनी मिली है। देन यहाँ पर ये जो रूम्स है ये इन्होंने न्यू बनाए हैं एंड इनका व्यू जो है वो स्विमिंग पूल वाला व्यू है इनके लिए, तो ये भी काफ़ी सुंदर रूम्स है। ये कपल रूम्स है एक्चुअली, एंड इनके बाहर ही डाइनिंग एरिया भी है। अब ये रिसॉर्ट में मैं आपको एक्टिविटीज़ के बारे में बताऊँगी। यहाँ पर पूल टेबल, कैरम वगैरह ये सारे एक्टिविटीज़ है, देन बच्चे लोग को खेलने के लिए छोटा सी स्लाइड एंड स्विंग, सीसॉ, ये सारे भी दिए गए हैं। एंड सबसे मेन पार्ट दैट इज़ ये स्विमिंग पूल। ये जो स्विमिंग पूल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, एंड एक बात मुझे अच्छी लगी कि अलग अलग हाइट के लेवल का ये बनाया है, तो सारे लोग यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फैमिली जाते हो, देन ग्रुप में जाते हो, तो बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। स्विमिंग पूल के साइड में कुछ रूम्स हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छे रूम्स हैं, लाइक इनको स्विमिंग पूल का भी व्यू है, देन लेक का भी व्यू है। तो अगर स्विमिंग पूल में आना होगा तो वो जल्दी से यहाँ से आ सकते हैं, एंड अगर अंदर बैठ के लेक व्यू का मज़ा लेना होगा तो वो भी वो कर सकते हैं। सो गाइज, ये जो आप देख रहे हो ट्रायंगुलर शेप में स्विमिंग पूल के साइड में, ये अभी फ़िलहाल अंडर मेंटेनेंस है, बट उनको पूछने के बाद पता चला कि यहाँ पर कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट बनने वाला है। सो अगर आप यहाँ से थोड़ा आगे जाओगे तो ये यहाँ पर है वुडन ब्रिज, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है।
एंड बहुत फोटोजेनिक भी है। अभी मुझे पता चला कि लोग यहाँ पर फोटोशूट वगैरह करवाने के लिए क्यों आते हैं, बिकॉज हर जगह पर आपको फ़ोटो क्लिक करने का मन करेगा। बहुत ही फोटोजेनिक है ये पूरा प्लेस। एंड ये वुडन ब्रिज जाता है लेक कैफ़े की तरफ, तो ये है लेक कैफ़े। पूरे लेक के सेंटर में इसे बनाया है एंड यहाँ पर प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह भी है। तो आप यहाँ पे बैठ के कुछ इवनिंग स्नैक्स, दिन चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हो एंड पूरे लेक का मज़ा ले सकते हो। ऑल्सो यहीं पर बैठ के आप सनसेट भी एंजॉय कर सकते हो। सो गाइज, आफ्टर सनसेट यहाँ पर अंधेरे में काफ़ी अच्छी लाइटिंग की है पूरे रिसॉर्ट में, एंड लाइट्स ऑन होने के बाद ये पूरा का पूरा रिसॉर्ट जो है वो और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। सो गाइज, यस, मुझे पता है वीडियो यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, आपको इसके कॉस्टिंग के बारे में जानना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अलग अलग टाइप ऑफ स्टेज है, तो उसके अलग अलग कॉस्टिंग है एंड अलग अलग पीपल ऑफ ऑक्यूपेंसी है। ऑल्सो इसका कॉस्टिंग जो है वो वीकडेज पर अलग है एंड वीकेंड पर अलग है, तो वो मैं आपको बताऊँगी। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, दैट इज़ ये कॉस्ट में मील्स जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, उसका एडिशनल कॉस्ट होगा। इसमें सिर्फ ब्रेकफास्ट, स्टे एंड आपके एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्लूडेड है। सो गाइज, ये था फिशरमैन्स विलेज रिसॉर्ट। बहुत ही फेमस एंड फोटोजेनिक रिसॉर्ट है ये। मैंने इसका जो भी कॉस्टिंग है वो आपके साथ शेयर किया है, तो आप अगर यहाँ पर आना चाहते हो तो ज़रूर आए। बहुत ही अमेजिंग है ये रिसॉर्ट एंड काफ़ी सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर करने के लिए। देन बीच भी एकदम पास ही में है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। एंड अगर आपको आज के मेरे ये वीडियो से अगर हेल्प हुई होगी, वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना एंड कॉमेंट करके बताना कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना, काफ़ी सारे लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं और ऐसे अमेजिंग वीडियोस बनाते रहूँगी। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।